नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने बुधवार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से दोनों पहलवानों की मुलाकात के बाद उनकी चुनाव लड़ने की जो संभावनाएं हैं तेज हो गई हैं। बता दें कि काफी लंबे समय से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस इन दोनों स्टार पहलवानों को हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। हालांकि कांग्रेस इस बात पर चुप्पी साधे हुए है कि पूनिया और फोगाट को मैदान में उतारा जाएगा या नहीं, जबकि ICC महासचिव और हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने मंगलवार को कहा कि गुरुवार तक इस पर स्पष्टता भी हो जाएगी। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की राहुल गांधी के साथ मुलाकात की तस्वीर भी साझा की। बता दें कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार तक 90 में से 66 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है। हालांकि नामों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची 1-2 दिन में जारी हो सकती है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। गौरतलब है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पूर्व भाजपा सांसद और तत्कालीन भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2023 में यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे और उसका हिस्सा भी रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।